अलवर जिला अभिभाषक संघ अलवर की ओर से बुधवार को कोर्ट परिसर स्थित सिटी पैलेस प्रांगण में टेलीफोन निर्देशिका का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभिभाषकों की मांग पर भवानी तोप स्थित नव निर्मित कोर्ट परिसर में अभिभाषक चैम्बर बनवाए जाने का विश्वास दिलाया और कहा कि जल्दी ही भवानी तोप स्थित कोर्ट परिसर में चल रहे कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में अभिभाषकों में आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए यह पुस्तिका उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में तीनों स्तंभों का अपना विशेष महत्व है। इससे पहले अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने अतिथियों के समक्ष अधिवक्ताओं को मिनी सचिवालय परिसर में चैम्बर के लिए जमीन आवंटित किए जाने की मांग उठाई। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जिला कलेक्टर और अलवर सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर को निर्देश देते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए डेयरी की जमीन को लेकर जो भी मुद्दा चल रहा है उसका शीघ्र निस्तारण किया जाए तथा अधिवक्ताओं को शीघ्र ही जमीन का अलॉटमेंट करने की बात कही। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जब तक सिविल कोर्ट नहीं जाएगी तब तक रेवेन्यू कोर्ट की यथावत चलती रहेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने की। अति विशिष्ट अतिथि राज्य के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा व जाकिर प्रधान आदि मौजूद रहे। मैं बहुत बहुत बधाई अलवर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल वशिष्ठ जी को, उनकी पूरी जो टीम है उनकी कार्यकारिणी को देना चाहूंगा कि 7 साल बाद एक डायरेक्टरी बनी है जिसमें पूरे जिले के सभी जो वकील साहबान ने उनके टेलीफोन नंबर के साथ साथ फोटो भी रखी गई है। तो ये बहुत बड़ा कार्य इन्होंने करा है क्योंकि एक जो परिवार है इतना बड़ा हो चुका है, लगभग रजिस्ट्रेशन अलवर बार एसोसिएशन के अंदर ही मेरे ख्याल से 3,000 के करीब है। तो आप सोचिए कि 3,000 लोगों का एक परिवार का परिचय होने के लिए एक बहुत बड़ा